तीर उद्योग व जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव का जबलपुर आगमन हुआ। प्रभारी मंत्री का भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने जबलपुर जिले की जमकर तारीफ की। रांची मानेगांव चंपानगर में एक 82 वर्षीय महिला की कोरोना से हुई मौत के बाद क्षेत्र में सघन जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल एकत्र करवाए जा रहे हैं। अब तक करीब 30 लोगों के RT-PCR टेस्ट हो चुके हैं। दुनिया को शुद्ध जलवायु मिलती रहे और लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत रहें, इसी मंशा के साथ दैनिक भास्कर का पौधे हमारे परिजन है अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय और ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज में पौधारोपण किया गया। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने अपनी विधायक निधि से स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस प्रदान की हैं। विधायक का कहना है कि जनता की खुशहाली के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना जरूरी है। रांची थाना क्षेत्र के बंशकार मोहल्ले में रहने वाली 22 वर्षीय युवती बीते 2 माह से लापता है। युवती के परिजन उसकी पतासाजी के लिए दर दर भटक रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि एक युवक ने उनकी बेटी को मार देने की बात उनसे कही है। जबलपुर जिले में गर्भवती महिलाओं को कोरोना के टीके लगाने का अभियान शुक्रवार 23 जुलाई से आरंभ हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार गर्भवती महिलाओं को रानी दुर्गावती एल्गिन अस्पताल, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद गोवा में आयोजित 3rd नेशनल यूथ गेम चैंपियनशिप में जबलपुर के 4 खिलाड़ियों ने तैराकी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर संस्कार धानी का नाम गौरवान्वित किया। जिले में गुरुवार को भी कोरोना संक्रमित 2 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 1 मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जासूसी कांड की खबरों से बौखलाकर सरकार मीडिया की भी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार, और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चोरी की बढ़ती वारदातों से उड़ी पुलिस की नींद। गोपाल सदन इलाके में सुपारी कारोबारी के घर चोरों का धावा। नकदी और जेवरातों पे किया चोरों ने हाथ साफ। कोतवाली पुलिस ने दर्ज की FIR। कोविड टीकाकरण केंद्रों में स्टाफ की लेट लतीफी से प्रभावित हो रहा टीकाकरण का कार्य। प्री बुकिंग स्लॉट के बाद भी समय पर टीकाकरण न होने से नागरिकों में रोष। संजीवनी नगर पुलिस ने गांजा तस्करों का दबोचा। कार में ढुल रहा था गांजा, 3 आरोपी गिरफ्तार। 1,35,000 रुपए कीमत का 13 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद। और कावड़ यात्राओं के आयोजन को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाई गई आयोजकों की बैठक बेनतीजा रही। अगली बैठक 25 जुलाई को होगी आयोजित, जिसमें होगा कावड़ यात्राओं के आयोजन का फैसला। प्रदेश के लोक निर्माण एवं सूक्ष्म कुटीर उद्योग और जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव का जबलपुर आगमन हुआ। प्रभारी मंत्री का भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने जबलपुर जिले की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस जिले को भोपाल और इंदौर से भी सुंदर बनाना है। जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव का शुक्रवार को जबलपुर आगमन हुआ। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव भाजपा के संभागीय कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने जबलपुर जिले की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस जिले को भोपाल और इंदौर से भी सुंदर बनाना है। उन्होंने कहा कि जबलपुर से उनका गहरा नाता भी है। उन्होंने 70 के दशक में जबलपुर से ही राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने महापौर निर्वाचन के सवाल के मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि पार्टी और सरकार के स्तर पर इसके लिए मंथन किया जा रहा है, जल्द ही चुनाव की प्रणाली की तस्वीर साफ हो जाएगी। जबलपुर के लिए हम इंदौर भोपाल से भी ज़्यादा कैसे खूबसूरत और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि जबलपुर से मेरा आज से नहीं बल्कि जब मैं किशोर अवस्था मैंने अपनी राजनीति शुरू की थी 70 के दशक में, तो मैंने जबलपुर से ही शुरू की थी, और इस कारण से जबलपुर में मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ है। और मैं चाहता हूं कि जबलपुर निरंतर तरक्की करे। अभी लगभग 2.5 वर्ष जो हमारी सरकार के हैं, इन वर्षों में मेरा प्रयास होगा कि जबलपुर को हम
प्रदेश के एक नंबर शहर के रूप में। महापौरों का जो चुनाव हो रहा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की ओर सरकार कदम बढ़ा रहे हैं, पक्ष में रहते हैं। अब इसके बारे में स्पष्ट रूप से शासन ने कुछ तय नहीं किया है, कुछ समय के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये बात आप सही कर रहे हैं, सीटी स्कैन के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं और मुझे जहाँ तक जानकारी है, हालांकि इसका उत्तर स्वास्थ्य विभाग प्रामाणिक रूप से दे सकेगा, लेकिन प्रत्येक जिले में सीटी स्कैनिंग मशीन के लिए स्थापित करने के आदेश दे दिए गए। प्रभारी मंत्री ने भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। प्रभारी मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे हैं, वो शुक्रवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। जबलपुर जिले में गर्भवती महिलाओं को कोरोना के टीके लगाने का अभियान शुक्रवार 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार गर्भवती महिलाओं को रानी दुर्गावती एल्गिन अस्पताल, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। जबलपुर जिले में गर्भवती महिलाओं को कोविड का टीका लगाने का अभियान शुक्रवार 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जिले में 14 सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से लेडी एल्गिन अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पतालों को सेंटर बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देश के तहत तैयारियां की हैं और गर्भवती महिलाओं का पंजीयन भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन सबको क्रम से वैक्सीन लगाई जाना है, क्योंकि उन्हें भी बहुत अधिक आवश्यकता है अब कोविड से बचाव की। तो रानी दुर्गावती चिकित्सालय में भी और इसके अलावा पूरे जबलपुर ज़िले में जितने भी जिला अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, इसके अलावा जितनी CHC हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी इन स्तरों पर टीकाकरण शुरू कराया जा रहा है, क्योंकि इनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के बाद उन्हें आधे घंटे निरीक्षण में रखना बहुत ज़रूरी होगा, किसी तरह की उनको समस्या तो नहीं हो रही है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग जबलपुर ज़िले में करीब करीब 14 सेंटर्स में ये वैक्सीन लगाना प्रारंभ कर रहे हैं कल से, और अब ये नियमित रूप से हर मंगलवार और हर शुक्रवार को ये वैक्सीनेशन जारी रहेगा। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण कार्य भी कर लिए गए हैं। नियमित रूप से सप्ताह में 2 दिन गर्भवती महिलाओं का कोरोना टीकाकरण किया जाएगा। चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना का टीका माता और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए सेफ है। रांची मानेगांव चंपानगर में एक 82 वर्षीय महिला की कोरोना से हुई मौत के बाद क्षेत्र में सघन जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल करवाए जा रहे हैं। अब तक करीब 30 लोगों के RT-PCR टेस्ट हो चुके हैं। रांची मानेगांव चंपानगर में एक 82 वर्षीय वृद्धा की कोरोना से हुई मौत के बाद क्षेत्र में चिंता व्याप्त है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की टीम इस क्षेत्र में वृद्ध महिला के परिवार सहित आसपास के लोगों की कोरोना जांच कर रहे हैं, ताकि संक्रमण के खतरे को काबू में किया जा सके। परिवार के 12 सदस्यों और आसपास के लोगों सहित कुल 30 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल कराए गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी नेगेटिव हैं। यहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। पेशेंट सावित्री देवी, उनकी पिछले 2 दिन पहले ही आदित्य हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव की वजह से मृत्यु हो गई। हमारी टीम, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, ये डॉक्टर संजीव तिवारी, हम लगातार यहाँ पर कोरोना के सैंपल ले रहे हैं। RT-PCR रैपिड टेस्ट चल रहे हैं। हमारा ये अभियान पिछले 2 दिन से चल रहा है और कोशिश है कि ये इस एरिया के सारे पेशेंटों का कोविड जाँच हम करते रहें। चर्चा है कि वृद्ध महिला की मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस आशंका से इनकार किया है। मैं अभी ऐसी कोई डेल्टा प्लस से कोई मृत्यु की जानकारी नहीं है। हमारी RRT टीम सतत रूप से सर्वे कर रही है, सैंपलिंग कर रही है। रांझी में जो एक मृत्यु है वो अस्पताल में मृत्यु हुई है, वो परसों रात्रि में हुई है, 82 वर्ष की महिला है। फिर भी सतर्कता के तौर पर हम पूरे क्षेत्र में सैंपलिंग करा रहे हैं। बहरहाल आशंकाओं के चलते रांची मानेगांव चंपानगर में सघन रूप से RT-PCR टेस्ट कराया जा रहा है।
पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने अपनी विधायक निधि से स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस प्रदान की है। विधायक का कहना है कि जनता की खुशहाली के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया ने 14 लाख रुपयों की 2 एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को भेंट किए हैं। इनमें से 1 एम्बुलेंस का उपयोग जिला चिकित्सालय विक्टोरिया और दूसरी का उपयोग एल्गिन हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा के लिए किया जाएगा। विधायक कार्यालय में CMHO डॉक्टर रत्नेश कुरारिया को एम्बुलेंसों की चाबियाँ सौंपी गयी। हर विधायक यदि अपने अपने क्षेत्र के लिए 2 एम्बुलेंस देगा तो हम समझ सकते हैं कि बहुत हद तक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े परिवहन की दिक्कतों हम ख़त्म कर पाएंगे और इसी मंशा के हिसाब से ये 2 एम्बुलेंस हम लोगों ने विधायक निधि से दी है। कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और जितना बन पड़ेगा हम अपनी विधायक निधि से करें। CMHO डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने कहा कि इन संसाधनों की मदद से शासकीय स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। निश्चित रूप से किसी भी स्वास्थ्य संस्था में एम्बुलेंस एक महत्वपूर्ण अंग होता है और चूंकि हमारे विक्टोरिया और एल्गिन दोनों चिकित्सालय की एम्बुलेंस पुरानी हो गई थी तो ये समय की मांग के अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे अस्पताल में साबित होंगी। मरीजों को हम बेहतर सुविधाएँ दे पाएंगे। एल्गिन में जो प्रसूताएँ आती हैं उनको हम और अच्छे से केयर कर पाएंगे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद गोवा में आयोजित थर्ड नेशनल यूथ गेम चैंपियनशिप में जबलपुर के 4 खिलाड़ियों ने तैराकी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर संस्कार धानी का नाम गौरवान्वित किया है। कोरोना की विषम परिस्थितियों के बीच गोवा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में जबलपुर के खिलाड़ियों ने एक बार फिर नाम रोशन करते हुए तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। जबलपुर के 4 खिलाड़ियों शिवम पटेल, प्रतीक प्रजापति, अक्षय शर्मा और पौरुषी ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इन खिलाड़ियों के जबलपुर वापस लौटने पर तैराकी संघ के पदाधिकारियों और शहरवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मैं सभी ने अपने इवेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। जो हमारे गौरव जबलपुर की गौरव की बात है कि इतनी विषम परिस्थिति में ये बच्चे, जबकि अभी हमारा 2 दिन बाद ओलंपिक चालू होने वाला है और ये अचीवमेंट जबलपुर में होकर आया है स्विमिंग में 2 साल के अंदर और वो गोल्ड के रूप में आया है, ये हमारे जबलपुर तैराकी संघ के लिए, मध्य प्रदेश तैराकी संघ के लिए गौरव की बात। इन सब ने अपने अपने इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है जिनका श्रेय आप विवेक बर्मन सर को जाता है और शिवम पटेल सर को जाता है जिन्होंने जिनकी गाइडेंस के अंडर और सुनील सर के को जाता है जिनके गाइडेंस के अंदर इन्होंने प्रैक्टिस करी। हम नर्मदा जी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया ताकि ये बच्चे हैं जो मेडल ला सके। बीते 2 वर्ष से कोरोना काल के चलते खेल प्रतियोगिताओं पर रोक लगी हुई है, बावजूद इसके इन खिलाड़ियों ने मां नर्मदा के आशीर्वाद से अपनी तैराकी गतिविधि को जारी रखा और नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होकर स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जासूसी कांड की खबरों से बौखलाकर सरकार मीडिया की भी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लोकतंत्र के 4th स्तंभ पत्रकारिता पे लगातार हमले मोदी सरकार के जारी हैं। निष्पक्ष आवाज को दबाने का प्रयास जो है मोदी सरकार कर रही है। समाचार चैनलों और पत्रकारों ने जिस तरह से मोदी सरकार की नाकामी को उजागर किया कोरोना काल में, आज उसका खामियाजा उन समाचार पत्रों और चैनलों को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय लोकतंत्र का लगातार चीरहरण जारी है। मोदी सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए और उनकी खिलाफ आवाज उठाने वालों को आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। रांची थाना क्षेत्र के वंशकार मोहल्ले में रहने वाली 22 वर्षीय युवती बीते 2 माह से लापता है।
युवती के परिजन उसकी पतासाजी के लिए दर दर भटक रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि एक युवक ने उनकी बेटी को मार देने की बात उनसे कही है, जिसके बाद पूरा परिवार दहशत और सदमे में है। रांची थाना क्षेत्र के वंशकार मोहल्ले में रहने वाली 22 वर्षीय एक युवती कुमारी खुशबू वंशकार 31 मई से लापता है। खुशबू का परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा है। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन 2 माह बीतने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा। लापता युवती के माता पिता और परिवार का आरोप है कि रांची गंगा मैया क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने उनकी बेटी को मार देने की बात उन्हें बताई है, जिससे उनका पूरा परिवार दहशत में है। लापता युवती के परिजन इस मामले को लेकर SP सिद्धार्थ बहुगुणा से भी मिलने पहुंचे थे, लेकिन रांची थाना में हमने कंप्लेन की। आज 2 महीने हो गए, अभी तक की लड़की का कोई रता पता नहीं चला कि जिंदा है या मर गई। इस तरीके की घटना घटी और लड़के ने बोला कि तेरी लड़की को मार डाला, जो कुछ करना है कर ले, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं चल रहा है लड़की का कि गई कहाँ। आज हम लोग SP ऑफिस में इसलिए आए हैं कि हमारी जाँच क्राइम ब्रांच द्वारा जाँच की जाए, ताकि लड़की का जल्द से जल्द पता चल सके। गुम हो गई है, जिसकी उनके परिवारजनों ने इसमें गुम इंसान रिपोर्ट की रांची थाने में। इसको अच्छे से दिखा रहे हैं और जिन संदेही के का नाम परिवारजनों ने बोला उनसे भी पूछताछ हुई है। इसमें और कड़ी पूछताछ करके जल्द से जल्द इनका उनको दस्तयाब करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि उनके द्वारा बताए गए बिंदुओं की जाँच की जाएगी और जल्द से जल्द युवती का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। आग से जलने के बाद उपचार के दौरान हुई एक महिला की मौत के मामले में बेलबाग पुलिस ने जांच के बाद उसके पति के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। महिला का पति नगर निगम में ड्राइवर है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। उपचार के दौरान पत्नी की मेडिकल में मौत हो गई थी। आग से जलने के बाद उपचार के दौरान हुई प्रेम सागर निवासी नीलू ननहेट नामक महिला की मौत के मामले में बेलबाग पुलिस ने अब उसके पति नरेंद्र ननहेट के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। नरेंद्र नगर निगम में ड्राइवर के पद पर है। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र ने 15 जुलाई को अपनी पत्नी नीलू पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। घटना में गंभीर रूप से जली नीलू की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि नरेंद्र का अपनी पत्नी से ससुर की पेंशन की राशि के हिस्से को लेकर विवाद हुआ था और उसने अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। अनमोग बाईपास पर चाय की दुकान चलाने वाला एक युवक शातिर चोर निकला। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के घर चोरी करने के बाद भी स्वीकार की। इसके अलावा बोलेरो की चोरी करने का जुर्म भी कबूल किया। पुलिस ने आरोपी से सोने चांदी के जेवरात और बोलेरो गाड़ी जब्त की है। संजीवनी नगर पुलिस ने एक शातिर चोर अजीत उर्फ अज्जू मरकाम को दबोचा है। अजीत उर्फ अज्जू अंधमोग बाईपास पर चाय की दुकान लगाता है। इस शातिर चोर से पुलिस ने सोने चांदी के जेवर और एक बुलेरो गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक धनवंतरी नगर जसूजा सिटी निवासी अमित नामदेव ने बुलेरो चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले की जांच के दौरान जब पुलिस ने CCTV कैमरों की जांच की तो उसमें चोरी की घटना का सुराग मिला। इस आधार पर अजीत की गिरफ्तारी की गई। उसने पूछताछ में अपने घर के बाजू में रहने वाली एक महिला के घर चोरी करने का जुर्म भी कबूल किया। पुलिस ने उसके घर से चोरी किए हुए जेवरात भी जब्त किए हैं। दुनिया को शुद्ध जलवायु मिलती रहे और लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत रहें, इसी मंशा के साथ दैनिक भास्कर का पौधे हमारे परिजन हैं अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय और ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज में पौधारोपण किया गया। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे हमारे परिजन अभियान के तहत पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें IG भगवत सिंह चौहान ने पौधे रोपकर अभियान को गति प्रदान की। दैनिक भास्कर के पूरे ग्रुप के साथ, जो दैनिक भास्कर के द्वारा एक पौधा परिजन के साथ अभियान चल रहा है, उसके तहत यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया। इस अभियान की भूरभूर प्रशंसा करता हूँ और दैनिक भास्कर समूह के द्वारा अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, जो ये अभियान चलाया जा रहा है वो निश्चित रूप से हमारे जबलपुर शहर के लिए, पर्यावरण के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। और
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दैनिक भास्कर के सभी जो इस अभियान से जुड़े हुए अधिकारी लोग हैं। जबलपुर शहर में कई लाख पौधे प्रतिदिन का जो इनका अभियान चल रहा है वो निश्चित रूप से सफल होगा। आईजी भगवत सिंह चौहान ने कहा कि जबलपुर रेंज में जहां पुलिस के नए भवन बने हैं वहां अभियान के तहत पौधारोपण करवाया जाएगा। जितनी भी हमारी पुलिस लाइन है, थाने के कैंपस है, अभी नए नए थाने की बिल्डिंग्स हमारी बनी है, उन सभी कैंपस में हमारा वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। कुछ जगह हो चुका है और कुछ जगह अभी ये प्रक्रिया जारी है और इस अभियान को हम सतत रूप से अपने जोन के सभी थानों में सक्रिय रूप से लागू करेंगे। इसी प्रकार ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पौधे हमारे परिजन अभियान के तहत पौधे रोपे गए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। हमारे महाविद्यालय ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में दैनिक भास्कर के द्वारा पौधे अपने परिजन के अंतर्गत 5 नीम के पौधों का रोपण किया गया। इसके लिए हम दैनिक भास्कर के द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वे पर्यावरण के लिए इतने जागरूक हैं और ये जागरूकता चारों तरफ हमारे माध्यम से फैला रहे हैं। धन्यवाद। दैनिक भास्कर द्वारा चलाया गया कार्यक्रम पौधे हमारे परिजन के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें हम सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया और ये एक बहुत प्रेरणादायक कार्यक्रम है जो दैनिक भास्कर द्वारा किया जा रहा है ना, और इससे बहुत अच्छा समाज में मैसेज पहुंचाएगा। पेड़ पौधे हमें सिर्फ प्राण वायु ही नहीं देते बल्कि सुंदर सुंदर फूल देकर जीवन को उमंग से भर देते हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे अभियान में शिक्षण संस्थान और प्राइवेट और सरकारी संस्थान भी सहभागी बन रहे हैं, जिसके चलते पर्यावरण संरक्षण का संकल्प मजबूत हो रहा है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।